खड़ा किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो आम लोग हैं वो ना दफ्तर जा पा रहे हैं, ना उनको जो उनके जरूरत के काम है वो कर पा रहे हैं। तो आप देख सकते किस तरीके से यहां पर किसान जो है वो मौजूद है और पुलिस पर किसानों ने पथराव भी किया, जिसके बाद आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा है। तो तस्वीरें न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, किसान आंदोलन की तस्वीरें। किसानों के आंदोलन के चलते आम लोगों को खासा परेशानियां हो रही है। लोग दफ्तर जाने के लिए लेट हो रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। किसानों का दिल्ली कूच करने का आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है। इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जो है किसान तमाम मौजूद हैं और हम इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और इसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर बने हुए हैं। टिकरी बॉर्डर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा से आता हुआ ये पूरा रास्ता पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा पैरामिलिट्री की टीमें, दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर मौजूद हैं और जो लगातार सिक्योरिटी को लगातार मुस्तैद करने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हालात जो है यहां पर खराब ना हो। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो अब आम आदमी को हो रही है क्योंकि ये पूरा रास्ता सील कर दिया गया है और उसके अलावा लोगों को अब खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं, खासकर जो सुबह निकलते हैं घरों से दफ्तर जाने के लिए, उनको खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। सर आप ये बताइए कि कहाँ ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कितना दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से? दिक्कत तो हो ही रही है, पैदल जाने वाले तो निकल रहे हैं, गाड़ी वाले तो और दिक्कत है, मोटरसाइकिल वाले। टाइम ज्यादा लग रहा है, 20 मिनट फालतू लग रहा है। फालतू लग रहा है तो पहले घर से भी अब टाइम से पहले निकलना पड़ रहा होगा। हाँ, 20 मिनट पहले निकल रहे हैं। जो तस्वीरें लगातार दिख रही है क्योंकि ये किसान आंदोलन पिछली बार भी जब हुआ था तो 378 दिनों तक जो है वो चला था, उसके बाद जो है लोग जो है खासा परेशान हुए थे। लेकिन एक बार फिर वही तस्वीरें हमको नजर आ रही हैं कि जब बॉर्डर सील किया गया उसके बाद फिर लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, अपने दफ्तर को पहुंचने में लेट हो रहे हैं, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, कॉलेजेस के लिए लेट हो रहे हैं क्योंकि जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील है। अभी किसान जो है वो शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं और वहां से वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और उसके अलावा इसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो बॉर्डर्स हैं दिल्ली के, चाहे हम सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें, उन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं। वीडियो जन सिद्धार्थ गुप्ता के साथ हरीश झा। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आरएफ की टुकड़ी किसानों को रोकने के लिए तैयार और इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा तैयारी की गई है। देखिए अलग अलग तरह के इक्विपमेंट, अलग अलग तरह के हथियार उनके पास, ये नहीं बना था उसको रोकने में सबसे ज्यादा कारगर कौन साबित होता है? जी हां, आरएफ की बात कर रहे हैं हम। आरएफ की टुकड़ी इस समय सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखिए, ये तमाम आरएफ के जवान जो हैं वो अब तैनात हो चुके हैं सिंघू बॉर्डर के ऊपर और सिंघू बॉर्डर पे किसी भी तरह से अगर कोई उग्र होने की कोशिश भी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और खासतौर पर पूरी तैयारी के साथ आरएफ की टुकड़ी यहां पर पहुंच चुकी है। किस इक्विपमेंट के साथ पहुंची, क्योंकि इस बार जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी हाईटेक हैं, पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ ज्यादा मुस्तैदी है। हालांकि कोशिश तो हमेशा रहती है अच्छा करने की ताकि किसी भी तरीके के सिविलियंस को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन कुछ नए इक्विपमेंट के साथ आप देखिए रेस्पिरेटर्स जो हैं वो इस बार आरएफ की टुकड़ी को दिए गए हैं। ये रेस्पिरेटर्स जो हैं वो किस तरह से काम आएंगे, खासतौर पर जब आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जाते हैं उस समय दिक्कत जवानों को भी होती है क्योंकि आपको भीड़ को ढकेलना है पीछे की तरफ, लेकिन वो अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो उस पर आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े जाते हैं और ऐसे में जो हमारे जवान हैं उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए आप देखिए तमाम तरह के रेस्पिरेटर्स जो हैं वो इस बार दिए गए हैं ताकि आंसू गैस के गोले का असर जो है वो जवानों पर ना हो, आरएफ की टुकड़ी पर ना हो। इस तरह से इसको पहन करके, सर कैसे इसको पहनते हैं थोड़ा सा हमें आप दिखा सकते हैं डेमो करके किस तरह से इसको पहना जाता है, थोड़ा सा पहन के दिखाएं ताकि हम समझ में। अच्छा, तो ये पूरी आंख और नाक मुंह सब पूरी तरीके से कवर कर लेता है। ये आप देखिए, ये इस तरह का रेस्पिरेटर है जो ये कहीं ना कहीं पूरे मुंह को एक तरह से कवर कर लेता है, ये इस तरह से आप देखिए।
ये पूरा मुंह इस तरह से कवर हो जाता है और सामने आपको इससे शीशे के ग्लास से जो है आपको दिखाई भी देता है और आप आगे बढ़ लेते हैं, अपना काम पूरा अंजाम दे देते हैं। तो ये पूरी टुकड़ी को जो है आप देखें रेस्पिरेटर्स दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से अगर कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, जैसे यहां पे आप देखिए आंसू गैस के लिए बाकायदा ये इक्विपमेंट दिए गए हैं ताकि इनके ऊपर इसका असर जो है साफ तौर पर ना हो, क्योंकि पिछली बार देखा गया था चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम अलग अलग बॉर्डर्स पर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे तो उससे जवानों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए इस बार आरएफ पूरी तरीके से तैयार होकर के आई है सिंघू बॉर्डर पर। वीडियो दिल्ली संदीप लोहिया के साथ सैयद आमिर हुसैन। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए कमर कस ली गई है, सड़क पर बैरिकेड्स को आपस में वेल्ड करवाया जा रहा है और यहां तक कि नुकीले तारों को भी बैरिकेड के ऊपर वेल्डिंग करवाकर तैयार किया गया। किसानों को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस फोर्स को तो तैनात किया ही गया है, इसके अलावा क्या इंतजाम किए गए हैं वो भी तस्वीरों के माध्यम से आपको हम दिखाना चाहेंगे। तस्वीरें आप देखेंगे, ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की गाड़ी के अंदर जो ब्रेकर है ये नॉर्मल या साधारण ब्रेकर नहीं है, ये किलो के बनाए हुए ब्रेकर है, यानी कि अगर इनको सड़क पर बिछा दिया जाए और कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जाएगी तो ये उनके टायरों को भस्ट कर देंगे, यानी वो वहीं के वहीं जाम हो जाएंगे, उसके आगे वो नहीं जा पाएंगे। इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, कल भी हमने आपको दिखाया था और ये सभी लाइनों पर इसी तरह से जो ब्रेकर बनाए गए हैं किलो के वो रखवाए गए हैं। अगर किसी भी लाइन से ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर आने की कोशिश करते हैं या शुरुआती बैरिकेडिंग को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद ये कीलों के जो नुकीले ब्रेकर हैं उनको बिछा दिया जाएगा। मैं इस लाइन पर भी आपको दिखाता हूं क्योंकि यहां पर भी कीलों के नुकीले जो ब्रेकर हैं वो रखवाए गए हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है और किसान जो है वो आगे आते हैं बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए तो उसके बाद कीलों के ब्रेकरों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नुकीली कीलों के जो ब्रेकर हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं। अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर ये ब्रेकर हैं जिनको पूरी किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, दिल्ली की सीमाएं सील हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और इस बीच आम लोग इस आंदोलन के चलते खासा परेशान हैं। दिल्ली से सटी सीमाएं सील, बॉर्डर पर बड़ी निगरानी, बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग, कछुए की गति से चलते वाहन, निगरानी के लिए ड्रोन, सीसीटीवी से नजर, ट्रैक्टरों का जत्था, किसानों का हुजूम, ये अन्नदाता के गुस्से की तस्वीरें हैं। किसान जब उग्र होते हैं तो सरकारें हिल जाती हैं, बड़े से बड़े देश की रफ्तार थम जाती है। किसानों के आंदोलन 2.0 की तस्वीरें उसी बवाल की है जो किसानों की नाराजगी को बयां कर रही है। दिल्ली कूच कर रहे किसानों को रोकने के लिए तैयारी पुख्ता की गई है। पहले दिन शंभू बॉर्डर पर हुए बवाल के बाद सिंघू बॉर्डर को लेकर 24 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर फेसिंग की रणनीति बदल दी। अब इन सीमेंटेड और कंक्रीट ब्लॉक के नीचे कंक्रीट बिछाई गई है तो यहाँ पर अब जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हो गई है। तो देखिए जो कंटेनर्स की कतार है वो एक नहीं है बल्कि बहुत सारे कंटेनर्स की कतार है और इस कंटेनर्स की कतार के बाद जो है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस। यहाँ आरएएफ के जवानों को आप देख सकते हैं और आरएएफ के जवान इस लिहाज से मुस्तैद हैं कि अगर आवश्यकता हो तो एक साथ 14 जो स्मोक ग्रेनेड हैं वो इस्तेमाल की जा सके। तो जितना हम बॉर्डर के पास जाएंगे दिल्ली पुलिस पीछे और पैरामिलिट्री फोर्सेस आगे हो जाएगी। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग थी कल ये सामान्य बैरिकेडिंग थी, आयरन बैरिकेडिंग, लेकिन अब इसमें ताला जड़ दिया गया है। ये ताला इस लिहाज से लगाया गया है कि अगर इसे हिलाने की कोशिश की जाए तो वो आसानी से ना हिल पाए क्योंकि एक एक अगर होगा तो आसानी से हिल जाएगा। तो देखिए जितनी भी बैरिकेडिंग है उन पर इस तरीके का मोटा ताला लगा दिया गया है और ये जो परिवर्तन है ये रात रात के अंदर आया है। बैरिकेडिंग है सीमेंटेड ब्लॉक्स की, उसमें कंक्रीट बिछा दी गई है ताकि वो इतने मजबूत हो जाए कि यहाँ से निकलना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए संभव नहीं हो पाए। सिंघू बॉर्डर पर कल्ले बनाए गए हैं जो अगर किसान ट्रैक्टर से आएंगे तो इन कीलों को सड़क पर बिछा दिया जाएगा। इसे
इसे जो आप देख रहे हैं दरअसल ये पूरा कील का एक जाल है और ये मोटी मोटी कीले जो हैं वो फिक्स हैं अंदर की तरफ और इस पे अगर कोई भी ट्रैक्टर चढ़ेगा तो यही ये कीले जो हैं इसको पूरे तरीके से अंदर घुस जाएंगी और निकलने नहीं देंगी। टायर तो पंचर होगा ही, टायर बस्ट हो सकता है। काफी मोटी कीले हैं और ये पूरा एक जाल बना के रखा गया है। इस तरह की आप कीले देखिए, ये देखिए कुछ इस तरह की कीले हैं और इसको बिछाने की तैयारी है। सिंह बॉर्डर पर तैयारी इतनी मजबूत है कि हाईवे से कनेक्टेड गांव को जाने वाली रोड में भी बड़े बड़े गड्ढे और नींव खोद दी गई है। ये जो बॉर्डर है इसको सील किया गया है, पूरी रोड ब्लॉक कर दी गई है। लेकिन अब आप देखेंगे कि रोड तो ब्लॉक की गई है लेकिन दूसरा तरीका ये भी है। आप देखिए बकायदा एक गड्ढा खोद दिया गया है यहाँ पे, जो लोग खासतौर पे किसान जो है अगर मूवमेंट करते हैं तो वो गलियों के सारे अंदर घुसने की कोशिश ना करें, अंदर खेतों से होकर के दिल्ली में घुसने की कोशिश ना करें, तो उसके लिए यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए हैं। सिंह बॉर्डर पर आरएफ की टुकड़ी भी किसानों को रोकने के लिए तैयार है। इस बार पहले के मुकाबले तैयारी ज्यादा है। आप देखिए आरएफ की टुकड़ी बकायदा तैयार है और ये वो लोग हैं, ये वो जवान हैं जो बकायदा अपने तमाम इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर मुस्तैद हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से एक तरह से ये पहली लेयर है, इससे पार जाएंगे तो दूसरी लेयर आएगी, उससे पार जाएंगे तो तीसरी लेयर आएगी, फिर कंटेनर्स आएंगे, फिर सीमेंटेड बैरिकेड्स आएंगे। ऐसी तमाम लेयर्स जो हैं, करीब करीब आपको बताएं 6 से 7 लेयर की ये जो सिक्योरिटी है वो तैयार की गई है। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीआरपीएफ से लेकर पीएसी और दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैद है। तस्वीरें मैं आप सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख सकते हैं सामने की तस्वीरें जहां पर दिल्ली पुलिस का जवान जो है वो आपको अलर्ट दिखाई देंगे। पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर तैनात की गई है। इसके अलावा कल लोगों को ट्रैफिक समस्या का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा था और उसके तहत जो बैरिकेडिंग की गई थी उसको थोड़ा कम किया गया है, जिसकी वजह से आज ट्रैफिक में थोड़ी राहत है। अधिकारी लगातार जवानों को ब्रीफ कर रहे हैं कि किसी भी हाल में किसानों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे सीआरपीएफ के जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है, अगर किसान आते हैं तो उनसे किस तरह से निपटना है। आप देख सकते हैं अधिकारी किस तरह से यहाँ पर जो सीआरपीएफ के जवान आए हुए हैं, इसके साथ ही जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल के तुलना में अगर हम बात करें यहाँ पर आज ट्रैफिक इतना नहीं है, क्योंकि जो लेयर थी एक लेयर कम कर दी गई है और ट्रैफिक को यहाँ से निकाला जा रहा है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर जो ऊपर है वहां पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, उसके अलावा ट्रैफिक स्मूथ है और आप देख सकते हैं पूरे इंतजाम किए गए हैं। यूपी दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए नुकीले ब्रेकर, लोहे की मोटी चेन से बांधे गए बैरिकेड, सीमेंटेड बैरिकेड और बैरिकेड को आपस में वेल्ड कराया गया है। दिल्ली पुलिस की गाड़ी के अंदर जो ब्रेकर है ये नॉर्मल या साधारण ब्रेकर नहीं है, ये किलो के बनाए हुए ब्रेकर है, यानी कि अगर इनको सड़क पर बिछा दिया जाए और कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली आगे जाएगी तो ये उनके टायरों को बस्ट कर देंगे, यानी वो वहीं जाम हो जाएंगे। जिला बॉर्डर समेत नोएडा से दिल्ली में दाखिल होने वाले तमाम बॉर्डर पर पुलिस मुस्तैद है। बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और पुलिस की तैनाती के चलते नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर जाम लग गया है। नोएडा बेस्ड किसान संगठन है, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और कल भी कुछ किसानों ने जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं दिल्ली में जाने का प्रयास किया था। अलग अलग इलाकों से पुलिस के द्वारा कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया था, कुछ को हाउस अरेस्ट किया गया था और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी किसान संगठन को दिल्ली बॉर्डर तक नहीं जाने दिया जाएगा। इस बीच शंभू बॉर्डर पर दूसरे दिन सुबह फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। शंभू बॉर्डर से पंजाब की तरफ कई किलोमीटर तक किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ डेरा जमाए हैं। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है, वहाँ पर हजारों ट्रैक्टर जो है पिछले कल से खड़े हैं। जहाँ अभी हम मौजूद हैं ये अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि नेशनल हाईवे जो है बिल्कुल खाली है, सुनसान है और एक तरफ जो है वो आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे। किसानों से निपटने के लिए तैयारियां तो पुख्ता है लेकिन इस आंदोलन से परेशान हो रहे लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, न किसानों को इससे फर्क पड़ता है न प्रशासन को। मेरे पीछे एक बोर्ड है जिस पे लिखा है राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है, लेकिन किसानों के आंदोलन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन दिल्ली में आपका स्वागत कैसे करेंगे? क्योंकि इन लोगों को देखिए कितने परेशान हैं, उन लोगों से हम बात, कितनी परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है हमारी। पैदल आ रहे हैं, पैदल
वहाँ से ऑफिस जाना था। हाँ जी ड्यूटी जाना, बहुत ज्यादा परेशान। कितना लेट हो चुके हैं आप? अरे बहुत लेट हो गई सर, मैं एक घंटा लेट है। कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं? हम 35 किलोमीटर हो गए। आपको कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है सर, यहाँ कॉलोनी में आने जाने को नहीं मिल रहा है, 8 घंटा ड्यूटी हो रही है, वो भी नहीं हो पा रही है, आप इससे घूम के आ रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते लोगों को 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, 8 घंटे की शिफ्ट ऑफिस में करनी पड़ती है और 8 घंटे ही पैदल चलकर ट्रैफिक में निकल जाते हैं। सर आप ये बताइए कि कहाँ ऑफिस जा रहे हैं इस वक्त? हाँ ऑफिस जा रहे हैं। कितना दिक्कत हो रहा है इसकी वजह से? दिक्कत तो हो ही रही है, पैदल चलने वाले तो नहीं।